ऐसा पंछी इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम वॉरी है। उसे बर्ड्स पर रिसर्च करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा बर्ड्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखता रहता है। तभी उसे पेड़ के पीछे से कुछ आवाज आती है। छोटी झाड़ियों के बीच उसे एक बहुत ही प्यारी सी बर्ड दिखती है। वॉरी को ऐसा लगता है कि शायद उसके माँ बाप उसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वो उस छोटी सी बर्ड को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ टीना उस छोटी सी बर्ड को देखती है, जो कि एक लड़की के रूप में एक छोटी सी चिड़िया थी। उन्होंने आज तक ऐसी अनोखी चिड़िया नहीं देखी थी। वॉरी ये फैसला करता है कि वो इस बर्ड को वहीं छोड़कर आ जाएगा जहाँ से उसने इसे लाया था, लेकिन उसकी वाइफ टीना उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन वॉरी कहता है कि परिंदों को हमेशा अपने साथी परिंदों के साथ रहना चाहिए और इंसानों को इंसान के साथ। फिर टीना फैसला करती है कि वो इस बर्ड को अपने साथ ही रखेगी, क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं था। और फिर रात में टीना उस बर्ड का नाम फ्लोरा रखती है। फिर टीना फ्लोरा के लिए कपड़े बनाती है, उसे पहनाती है, जिससे फ्लोरा के सारे पंख छुप जाते हैं। वॉरी भी फ्लोरा के लिए एक बेबी साइकिल बनाता है, जिसमें वो फ्लोरा को अपने साथ घुमा सके। वॉरी और टीना फ्लोरा को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ कुछ लोग इस क्यूट सी बेबी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हैरान भी होते हैं कि फ्लोरा इतनी छोटी क्यों है। फिर हम देखते हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ फ्लोरा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और अब वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लग गई है। फ्लोरा को ऐसा करते देख वॉरी और टीना बहुत खुश होते हैं। और जब टीना कपड़े सुखा रही होती है, तब फ्लोरा वॉरी को देखकर पीपी और टीना को देखकर मीमी कहती है। इससे टीना को ऐसा लगता है कि फ्लोरा शायद अपनी लैंग्वेज में उन्हें मम्मी पापा कह रही है। लेकिन वॉरी टीना की इस बात से इत्तफाक नहीं रखता है। टीना फ्लोरा को इंसानों जैसी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लोरा को कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें वो प्रॉपरली बोल नहीं पाती है। उसके बाद टीना वॉरी से कहती है कि अगर फ्लोरा हम इंसानों जैसी लैंग्वेज नहीं बोल पाई तो आगे चलकर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगले दिन फ्लोरा खाना नहीं खाती है, जिसके लिए टीना उसे डांटती है। तभी फ्लोरा को एक कीड़ा दिखता है और वो उस कीड़े को खाने लगती है। ये देखकर टीना भी अब उसे कुछ कीड़े लाकर देती है खाने के लिए। फ्लोरा उन्हें भी खाने लगती है और फ्लोरा को ऐसा करते देखकर अब टीना परेशान होने लगती है। उसके बाद टीना फ्लोरा को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाती है, जहां फ्लोरा को उसके पेरेंट्स दिखते हैं। उन्हें देखकर फ्लोरा का भी उड़ने का मन करता है। और तभी टीना फ्लोरा को एक टॉयलेट में ले जाकर बैठा देती है और फ्लोरा से कहती है कि यहाँ तुम्हारा जितना मन करे उतना उड़ो। वहाँ टॉयलेट की खिड़की खुली हुई थी और टीना फ्लोरा को लॉक करके बाहर उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जब फ्लोरा बाहर नहीं निकलती तो टीना डोर ओपन करके देखती है कि फ्लोरा तो वहाँ से गायब है और वो उड़कर उन पंछियों के पीछे जा रही है। टीना फ्लोरा का पीछा करती है, लेकिन फ्लोरा उसके हाथ नहीं आती। फिर वॉरी टीना को घर आकर बताता है कि आज उसने फ्लोरा जैसी एक बर्ड को आसमान में उड़ते देखा है। टीना उसे बताती है कि वो बर्ड कोई और नहीं बल्कि फ्लोरा ही थी। फ्लोरा उड़ते उड़ते शहर में चली गई थी और उड़ते उड़ते फ्लोरा के पंख अचानक से काम करना बंद कर देते हैं, तो फ्लोरा आसमान से सीधा एक घर में जाकर गिरती है। फिर टीना और वॉरी फ्लोरा को ढूंढने के लिए ट्रेन से सफर करके शहर जा रहे होते हैं। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने डैड से परेशान होकर रो रही थी, और फिर उस छोटी बच्ची की नजर फ्लोरा पर पड़ती है। फिर उन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर टीना और वॉरेन इंफॉर्मेशन ऑफिस में जाते हैं सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि इस वक्त फ्लोरा कहाँ है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो छोटी बच्ची और फ्लोरा घर से निकलकर एक पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ फ्लोरा उड़ते हुए उस पेड़ के ऊपर चली जाती है और वो छोटी बच्ची नीचे ही होती है। और तभी टीना और वॉरी रात हो जाने की वजह से एक होटल में रूम देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी रूम नहीं मिलता। और अगली सुबह हम टीना और वॉरी को देखते हैं जो उसी पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं जहाँ पर फ्लोरा होती है। तभी वो छोटी बच्ची भी उन्हें देख लेती है और उनसे सवाल करती है कि वो यहाँ क्यों आए, लेकिन वो दोनों उसे कुछ नहीं कहते। वो छोटी बच्ची उन्हें बताती है कि वो एक बर्ड जैसी दिखने वाली लड़की को जानती है और वो लड़की अभी ऊपर ही है। वॉरी उसे ढूंढता है, लेकिन फ्लोरा वहाँ से उड़कर कहीं और चली गई थी। फिर वो छोटी बच्ची, टीना और वॉरी फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फ्लोरा फिर से उड़ते उड़ते शहर में आ गई थी।
जहां फ्लोरा को कुछ पंछी तंग करने लगते हैं और वो एक बिल्डिंग के ऊपर जा गिरती है। वहां बहुत सारे लोग फ्लोरा को ही देख रहे होते हैं। कुछ न्यूज रिपोर्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है। जब तक एक आदमी फ्लोरा को बचाने के लिए ऊपर चढ़ता है तो वो देखता है कि फ्लोरा तो वहां है ही नहीं। और हर न्यूज चैनल पर बस एक ही बात चल रही होती है कि फ्लोरा को कोई चील उठाकर ले गई है। फिर वॉरेन और टीना को भी उस न्यूज के बारे में पता चलता है। फिर टीना और वॉरी भी उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो उसे बचा रहा होता है। फिर वॉरी उस आदमी को पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसे कोई चील ने नहीं खाया है, बल्कि वो खुद उड़कर गई है। फिर वो आदमी, वॉरी, टीना और वो छोटी बच्ची, वो सभी लोग फ्लोरा को ढूंढने निकलते हैं। और फिर जब वो लोग फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें फायर की आवाज आती है। छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि शायद कोई खाई में गिर गया है। और जब वो लोग रस्सी से खींचते हैं तो उन्हें फ्लोरा का कपड़ा मिलता है। फ्लोरा के कपड़े को देखकर टीना को ऐसा लगने लगता है कि फ्लोरा को कुछ हो गया है। और फिर उसके बाद वो सभी लोग एक होटल रूम में जाकर रुकते हैं। फिर वो छोटी बच्ची को एक लड़का पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है और वो जाकर उस लड़के से बात करती है और फिर उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो लड़का जाकर अपने कमरे में सोने वाला होता है, तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है और तब उसे वहाँ फ्लोरा दिखती है। फिर वो लड़का उस छोटी बच्ची को बुलाता है और फिर उन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो लड़का और छोटी बच्ची ये बात वॉरी और टीना को बताते हैं। फिर जब तक वो लोग फ्लोरा को देखने जाते हैं तब तक फ्लोरा वहां से उड़कर गायब हो जाती है। और जब वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं तो वो छोटी बच्ची साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे अब यही रहना है उस लड़के के साथ। और फिर टीना, वॉरी और वो आदमी फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर वहां उन्हें उस छोटी लड़की के पापा दिखते हैं जो अपनी बेटी को ही ढूंढ रहे होते हैं। फिर रास्ते में चलते चलते रेस्क्यू टीम का वो आदमी रोने लगता है क्योंकि वो फ्लोरा को ढूंढ नहीं पाया था। टीना फ्लोरा को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। फिर वॉरी भी उसका पीछा करता है और फ्लोरा के ना मिलने पर टीना इमोशनल हो जाती है और वॉरी उसे समझा बुझा कर घर वापस ले आता है। और फिर रात में जब वो सब लोग आराम कर रहे होते हैं तब फ्लोरा उड़ते उड़ते एक डाली में फंस जाती है और फिर रेस्क्यू टीम का वो आदमी उसे देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए जाता है। वो पेड़ पर चढ़कर उसे बचाता है और उसके टूटे हुए पंखों को सही करता है। और अगली सुबह जब वो ये बात वॉरी और टीना को बताता है, फिर वॉरी और टीना उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो लोग बाइक पर फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें फ्लोरा दिखती है। फ्लोरा बहुत सारे पंछियों के साथ उड़ते हुए समुद्र को पार कर रही होती है। ये देखकर टीना और वॉरी दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद को समझाते हैं कि आखिर फ्लोरा तो एक पंछी ही थी जो उड़कर चली गई और उसे अपने जैसों का ही साथ पसंद आएगा। फ्लोरा उड़ते उड़ते समुद्र में गिर जाती है। टीना और वॉरी बस में जाने ही वाले होते हैं तो उन्हें फ्लोरा की आवाज आती है। वॉरी समुद्र की तरफ भागता है जहाँ फ्लोरा एक लकड़ी की टहनी पर भीगी हुई होती है। वो जाकर फ्लोरा को बचा लेता है। फ्लोरा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। टीना और वॉरी वापस से फ्लोरा को घर ले आते हैं। वॉरी फ्लोरा के पंख को ठीक करता है। वो सब रात में खाना खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। रात को फिर से फ्लोरा को पंछी दिखते हैं और फ्लोरा उड़कर उनके साथ जाना चाहती है। तब टीना और वॉरी को ये बात समझ में आ जाती है कि फ्लोरा तो आखिर एक पंछी ही है। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसे अपने साथियों का ही साथ पसंद आएगा और इंसानों के बीच में रहने से फ्लोरा को बहुत मुश्किल होगी। फिर टीना और वॉरी ये फैसला करते हैं कि वो फ्लोरा को आजाद कर देंगे और ऐसा करते वक्त उनका दिल बहुत दुखी होता है। फिर वो फ्लोरा को जाने के लिए कहते हैं। फिर फ्लोरा उड़ते हुए उनसे बहुत दूर चली जाती है। वॉरी टीना से कहता है कि फ्लोरा बारिश के मौसम में हमारे पास आ सकती है। टीना ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।